अस्सलाम वालेकुम। आज हम गाजर का हलवा बना रहे हैं। ये देखिए, हम गाजर को अच्छी तरह धो के रख लिए हैं। इसको हम काट के ग्राइंड कर लेंगे। ऐसा तो इसको कद्दूकश करना चाहिए, पर हम ग्राइंड कर रहे हैं क्योंकि हमारे गाजर बहुत पतले पतले हैं। ये सर्दी के मौसम में ही आते हैं ये गाजर, और ख़ास तौर इससे गाजर का हलवा ही बनता है। ये देखिए, हम इसको ग्राइंड कर लिए हैं। ये है 100 ग्राम घी, 1/4 किलो दूध, 100 ग्राम खोवा, 1/4 किलो शक्कर है, और ये ड्राई फ्रूट है काजू, बादाम, पिस्ता, और ये है इलायची का पाउडर और ज़ाफ़रान की काढ़ियाँ। चलिए शुरू करते हैं। आप इसमें चाहे तो असली घी भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो और ज़्यादा क्वांटिटी में 1/4 किलो भी अगर चाहे तो आप घी ले सकते हैं। हमारे 1 किलो गाजर हैं। घी मेल्ट हो जाएंगे बाद में से हम शुरू करेंगे। इसमें हम पहले थोड़ा इलायची का पाउडर डालेंगे आधा, खुशबू के लिए। अभी हम गाजर डालेंगे। सर्दी के दिनों में लोग ख़ास तौर से ये गाजर का हलवा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये हेल्दी डिश है। हम अच्छी तरह भुनेंगे गाजर को घी में। सर्दी के दिन स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए, हमारे गाजर भुन गए हैं। इसमें हम दूध मिलाएंगे ताकि गाजर अच्छी तरह गल जाए। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के धीमी आंच पे पकाएंगे। ये देखिए, हमारे गाजर अच्छी तरह गल गया है। अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। हलवे में कभी भी शक्कर गाजर गलने के बाद डालना चाहिए, क्योंकि अगर पहले शक्कर मिला देंगे तो गाजर गलेंगे नहीं। साथ साथ हम चलाते रहेंगे ताकि गाजर बर्तन में ना पकड़ ले। ये ज़ाफ़रानी कलर है, अगर आप चाहे तो मिला सकते हैं, और अगर आप ना चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। देखने में भी अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए हम कलर मिला रहे हैं, क्योंकि पहले देखने से ही हम टेस्ट को महसूस कर सकते हैं। ये बाकी का इलायची पाउडर भी हम मिला देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे इसमें बनाने के लिए। ये देखिए, हम खोवा मिला रहे हैं। खोवा भी ऑप्शन है, आप चाहें तो मिलाएं, या अगर आपको पसंद नहीं तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, पर खोवा से इसके ज़ायका 4 गुना बढ़ जाता है। ज़ाफ़रान की काढ़ियाँ भी मिला देंगे। हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट मिलाएंगे।
और इसको ज़रा अच्छी तरह और भुनेंगे थोड़ा। ये देखिए हमारा गाजर घी छोड़ रहा है, इसका मतलब है गाजर अच्छी तरह भुन गया है। ये देखिए अब हम इसको गार्निश करेंगे चांदी के वर्क से। चांदी का वर्क सिर्फ गार्निशिंग के लिए है। ये देखिए हमारा हलवा तैयार है, आप भी बनाइए खाइए, सर्दी के दिनों में बहुत जायका इसका ज़्यादा अच्छा महसूस होता है और आपको सेहत आपके लिए सेहतमंद भी है ये चीज़। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।